केरल पाणे स्टोर में एक नई लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रेश और कीर्ति दोनों की लव स्टोरी शुरू होते दिख रही है, लेकिन शुरू में इसमें पंगे हो जाते हैं। आगे एपिसोड में, आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर सुमन नाटक करती हैं कि हम दो शिवा के लिए कोई लड़की देख रहे हैं, कुंडली भी मिलवाई ही देंगे और जल्दी इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते, और रावी को जबरदस्ती सुनाते नजर आती हैं। तो वही ऋषिता का फर्स्ट डे होता है जोम, और वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर रावी उसे दही शक्कर खिलाने आती है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी को इसमें वो तुम मुझे पता है कोई जहर वहर तो नहीं मिला दिया कहीं मुझे रोकने के लिए, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ऋषिता का ये डायलॉग, और रावी कहती है तुम सोच समझ के तो बोला करो, और उसे डांट देती है, और ऋषिता उसे फिर थैंक यू बोलकर निकल लेती है अपनी जॉब के लिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ऋषिता की मॉम उसके लिए गिफ्ट, उसकी बुआ गिफ्ट लेकर ऋषिता के पास भेजना चाहती है क्योंकि उसकी फर्स्ट जॉब लगी है, और कीर्ति को भेजती है कि चपके से वहाँ उसे देखकर आ जाना और उसे इन्वाइट भी कर देना। तो यहाँ पर ऋषिता को वो गिफ्ट देने जाती है, लेकिन वो जॉब के लिए निकल चुकी है, और यहाँ पर देख देव और सभी लोग काम पे निकल चुके हैं, और क्रिश रावी की मदद करते दिखता है। रावी और क्रिश ही घर पर होते हैं, और क्रिश को बर्तन धोते हुए देख कीर्ति सोचती है कि ये नौकर है, और कहती है कि आप इस नौकर के जरिए कह दो ना कि ये सारे गिफ्ट्स अंदर रख के आ जाएं, और रावी कहती है कि मेरा देवर है, वो मेरे मकान में मदद कर रहा है, और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर देखते ही रह जाते हैं, और क्रिश का तो दिल भाई उस लड़की ने चुरा लिया है, और अब रावी को पता चल चुका है कि वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। रावी फिर उसके बाद आज स्ट्राइक होने की वजह से कोई भी ऑटो नहीं मिलता है, और रिक्शा के लिए कोई भी वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होता, तो रावी खुद की जो बाइक उसने जीती है उसी पर क्रिश को कीर्ति को छोड़कर आने के लिए कहता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ गोम्बी और धना दोनों ही मंदिर जाते हैं, जहाँ पर कुछ औरतें उसको आशीर्वाद देते नजर आती हैं। तो वहीं क्रिश जैसे ही कीर्ति को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, उसे बीच में जनार्दन देख लेता है और उसे सीधा थप्पड़ मारता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है कि मेरी बेटी को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीर्ति की वो एक भी नहीं सुनता है और उसे सीधा घर भेज देता है। वो बेचारी कीर्ति वहीं फंस जाती है, और वो ऋषिता को इन्फॉर्म करेगी कि क्रिश को उसने किस तरह से जनार्दन ने पीटा है, और अब ऋषिता भी वहाँ पहुँचेगी और कीर्ति को लेकर पहुँचेगी, और कीर्ति कबूल कर लेगी कि क्रिश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आ रहा था। जनार्दन की पुलिस स्टेशन में फंसीती हो जाने वाली है, और वहाँ पर शिवा भी पहुँचेगा, और यहाँ पर स्ट्राइक होने की वजह से यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से रावी और शिवा का ये कोर्ट, ये जो पंगा है तलाक वाला, वो भी वहीं रुक जाने वाला है।